हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑलवेज। कहानी शुरू होती है जांग नाम के लड़के से जो साउथ कोरिया में रहता है। वो दिन भर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है, पर आज उसे एक बूढ़े आदमी की जगह पर काम करना है। जब वो बूढ़े आदमी से मिलता है तो वो उसे इतनी मेहनत करते हुए देख कर कहता है कि इतना काम मत किया करो, अच्छा नहीं होता। तो जांग को समझ नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, पर वो ज्यादा गौर नहीं करता और जाके एक कैबिन में बैठ जाता है। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वहां पे समायरा नाम की लड़की आती है, जो आते ही जैंग के हाथों पे स्नैक रख देती है। अब जैंग को समझ नहीं आता कि ये लड़की कौन है। जैंग की आवाज सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है। असल में समायरा बचपन से देख नहीं सकती है। जो बूढ़ा आदमी जैंग को अपनी जगह पर बैठा के गया था वो समायरा के दादाजी थे, जिस वजह से वो रोज यहाँ आती थी और उनके साथ बैठ कर टीवी प्रोग्राम सुनती थी। लेकिन जैंग कहता है कि वो आज शहर से बाहर गए हैं, तो समायरा वहां से चली जाती है। जैंग देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो वो उसके पास जाकर कैबिन में बैठने को कहता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी बातें होती है। जैंग के पास सब कुछ है लेकिन समायरा के पास उसकी आंखें नहीं है। लेकिन उसे इतना खुश देखकर जैंग थोड़ा हैरान होता है। यहाँ उसकी खूबसूरती पर एक समय के लिए वो फिदा भी हो जाता है। अगले सीन में हम जैंग को एक बॉक्सिंग क्लब में देखते हैं, जहाँ वो कोच से माफी मांग रहा था कि जो भी उसने पास में गलतियां करी है, पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा था और तुम बॉक्सिंग ऐसे छोड़कर चले जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। ये बोलकर वो बाहर आ जाता और सबको जैंग से मिलवाते हुए बताता है कि 1999 में हुई नेशनल चैंपियनशिप में इसने सारे मेडल जीते थे। अब ये सुनकर वहां का सबसे अच्छा बॉक्सर आकर उसे चैलेंज देता है रिंग में लड़ने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। तो वहां आकर उसके कोच उसे लड़ने को बोलते हैं, पर वो फिर भी मना कर देता है। तो वो उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारते हैं, लेकिन जैंग एक शब्द भी नहीं बोलता और सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम समायरा को देखते हैं जो फिर से कैबिन में आई है। अब जैंग की जॉब यहां पे फिक्स हो चुकी है क्योंकि उन बूढ़े अंकल ने जॉब छोड़ दी थी। अब समायरा यहां पर वही प्रोग्राम बैठकर एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसे जैंग के शूज की स्मेल आती है, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके थे और गंदे भी थे। तो वो उसे विंडो खोलने को कहती है। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो जाते जाते जैंग से हाथ भी मिलाती है, पर वो हिचकिचाता है उसे हाथ मिलाने के लिए। लेकिन आखिर में वो हाथ मिला लेता है। तो समायरा उसके हाथों को फील करते हुए कहती है कि ये तो काफी हार्ड है, तुम क्या काम करते हो, पर जैंग को जवाब नहीं देता। समायरा का साथ उसे अच्छा लगने लगा था, वो देख नहीं सकती थी पर उसे भी उसका साथ अच्छा फील होता था। अगले दिन वो फिर से प्रोग्राम देखने के लिए आती है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जैंग ने नए शूज खरीद लिए हैं और ढंग के कपड़े भी पहन लिए हैं। कैबिन में इंटर होते ही समायरा को नए शूज़ की स्मेल आ जाती है, तो वो कहती है कि ओ नए शूज़ ले लिए तुमने। लेकिन जैंग कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मैंने बहुत पहले लिए थे। वो उसे पूछती है कि अच्छा टीवी में जो एक्टर है वो किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं उसने। अब यहाँ से जैंग बिना रुके पूरे एक घंटे का प्रोग्राम उसे एक्सप्लेन करके बताता है, उसकी पहली बार इतना किसी के सामने बोला था। अब जब समायरा वहां से जाने लगती है तो उसकी टक्कर एक कार से होती होती बचती है, जिसकी वजह से वो एक ग्लास बॉटल की क्रेट पर गिर जाती है, जिससे सारी बॉटल टूट जाती है। अब जैंग ये देखकर फौरन भागते हुए आता है और उसे उठाता है, लेकिन अब समायरा के पैरों में मोच आ गई थी जिस वजह से वो चल नहीं सकती थी। तो जैंग उसको सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले जाता है, पर यहाँ समायरा चलते चलते थक गई थी। तो जैंग कहता है कि ठीक है मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो वो कहती है कि मैं आ तो जाऊंगी पर बाद में पछताना मत। तो जैंग कहता है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। अब उसे पीछे बैठकर उसके घर तक ले आता है, लेकिन जब वो घर की सीढ़ियां देखता है तो वो समझ जाता है कि समारा ऐसा क्यों कह रही थी कि वो पछताएगा। अब सीढ़ियां चलते चलते उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी सांस फूल जाती है। तो ये देखकर समारा कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम बाद में पछताओगे। वेल, अब जाते टाइम वो उसे एक कॉन्सर्ट के पास देती है और कहती है कि अपने दोस्तों के साथ जाकर इसे देख लेना, ये उसका थैंक यू गेस्चर था। पर जैंग का तो कोई दोस्त नहीं है, तो वो कहती है कि ठीक है कोई नहीं, कल तो मेरे साथ चलना। अब यहाँ पहली बार जैंग के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं, वो पूरे रास्ते हंसते हंसते घर जाता है। वहीं घर में भी समायरा भी बस जैंग के ख्यालों में खोई हुई थी, उसे भी जैंग का साथ बहुत पसंद आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग उसके घर आता और यहाँ हम देखते हैं कि समायरा ने एक नया हेयर कट करवाया है जो बिल्कुल अलग तरह का था, जिसे देख के वो हंसने लगता है। अब इसके बाद वो दोनों कॉन्सर्ट जाते हैं और आते टाइम एक साथ डिनर भी करते हैं, जहाँ समायरा जैंग से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछने लगती है, जिसके बारे में जैंग को न जाने किन वजहों से बात करना पसंद नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। अब उसका ये जवाब समायरा को पसंद नहीं आता। खैर वो उसे कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जैंग समझ जाता है कि उसे बुरा लगा है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे घर तक जाता और अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है।
और आखिर में बताता है कि मैं पहले एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर था, उस समय मैंने बहुत से गलत काम भी किए थे, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। पर समारा कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद उसके कोच उसे दोबारा बुलाते, वो चाहते थे कि जैंग फिर से बॉक्सिंग शुरू कर दे, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो वहां से गुस्से में जाने लगते हैं, पर जैंग उन्हें रोकते हुए बॉक्सिंग ना करने की वजह बताता है कि कैसे उसने पिछले 4 साल अपने जेल में काटे हैं। उसने जब बॉक्सिंग छोड़ी थी तो उसके बाद उसने वसूली का काम शुरू कर दिया था और उसमें न जाने उसने कितने मासूमों को मार डाला। अब वो काम वो दोबारा नहीं करना चाहता और ना ही बॉक्सिंग करना चाहता है, इसलिए प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। अब जैंग ने पास में जो भी किया, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम समारा को देखते हैं जिसके घर के बाहर उसके बॉस आए हुए हैं और उनकी बुरी नज़र समारा पे हमेशा से थी, और आज उसे अकेला देखकर वो उसके घर में घुस जाते हैं और ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। समारा चिल्लाती है पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग आता है। वो बॉस को ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद तो मानो उसके अंदर वही पुराना बॉक्सर जाग जाता है। उसे इतना मारता है जितना उसने सोचा भी नहीं था। उसने उसकी जान लेने तक की ठान ली थी, पर समारा के कहने पर उसे वो छोड़ देता है। लेकिन इस चीज़ से वो बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि अब उसकी जॉब चली गई थी। तो जैंग कहता है कि तुम्हें अभी भी वहाँ जॉब करनी है, तो वो कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो जैंग कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर समारा नहीं चाहती कि वो किसी पर भी बोझ बने, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कह देती है। अब नेक्स्ट डे जैंग उसके पूरे रास्ते उसका पीछा करता है ताकि वो आदमी फिर से उसे परेशान ना करे। अब अंधेरा होने पे वो उसी कैबिन के पास आकर रुक जाती है और उसे पता था कि जैंग उसके ही पीछे है, तो वो उसे बोलती है कि मैंने जॉब छोड़ दी, पर क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे, तो वो हाँ कहता है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि क्या कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, तो जैंग रेडी हो जाता है। और उसे पहले वो उसके लिए एक पपी लाता है जो समारा को बहुत पसंद आता है, और ये पपी उसे हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे अकेला फील होने नहीं देगा। और यहाँ से उसे एक दोस्त मिल चुका था, वो दोनों उसका नाम इजी रखते हैं। इसके बाद जैंग उसे लेके अपनी पसंदीदा जगह पर जाता है जो कि नदी का एक किनारा था, और यहाँ वो उसे बताता है कि पहले यहाँ पर एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन एक बाढ़ की वजह से वो पूरी तरह से डूब गया, उसी अनाथ आश्रम में मैं रहता था। उसकी ये सब बातें सुनकर समारा थोड़ी इमोशनल हो जाती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी। दोनों ही हमेशा से अकेले थे, लेकिन अब उनके एक दूसरे का साथ मिल गया है, या फिर ये कहें कि समारा को उसकी आंखें मिल गई हैं, जो कि जैंग है। वो उसे उसकी सारी खुशियाँ देना चाहता है जो उसने कभी महसूस नहीं की थी, और यहाँ उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक बार फिर से बॉक्सिंग शुरू कर देगा, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता है समारा के लिए, वो उसे खुश रखना चाहता है। तो वो कोच के पास जाता है और कहता है कि मैं रेडी हूँ, जिसके बाद वो और उसके कोच प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है पहला जैसा बनने के लिए। उसके कई मैचेस भी होते हैं जिनमें वो जीत भी हासिल करता है, और कुछ मैचेस में उसे काफ़ी चोटें भी आती हैं। वहीं घर पे समारा उसका वेट करती है, जैसे ही वो आता है वो दोनों साथ में मूवीज एंजॉय करते हैं, इजी के साथ खेलते हैं। समारा उसे बैक मसाज भी देती है ताकि वो अपने गेम्स को और अच्छे से जीत सके। पर यहाँ जैंग को एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके फेस पर कोई चोट ना लगे, क्योंकि जब भी वो घर जाता था तो समारा सबसे पहले उसका फेस को टच करती थी, और अगर उसे पता चल गया कि उसे चोट लगी है तो उसे बहुत गुस्सा होगी और हो सकता है कि उसे बॉक्सिंग भी छुड़वा दे। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। जैंग के पास अब अच्छे खासे पैसे आना शुरू हो गए थे, जिसे वो दोनों अक्सर कभी ना कभी घूमने भी जाया करते थे। अब एक दिन जैंग बॉक्सिंग करके वापस आता है तो समायरा उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने जाती है कि काफ़ी साल पहले मौत हो चुकी है। वो उनकी फ़ोटो से बात करती है और बताती है कि देखिए ये जैंग है, ये शक्ल से गुंडा टाइप का लगता है पर दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, और ये सुनकर जैंग हंसने लगता है। इसके बाद वो उसे उनकी मॉम डैड की डेथ कैसे हुई ये बताती है। दरअसल एक दिन वो लोग ट्रिप से वापस आ रहे थे और उस समय समारा की आंखें बिल्कुल ठीक थी। उसी समय समारा को एक बिल्डिंग से एक आदमी गिरता हुआ दिखता है जिसने खुद को आग लगा ली थी। वो उसे देख रही होती है कि तभी उसकी कार की टक्कर हो जाती है जिसमें उसके मॉम डैड मारे जाते हैं, पर वो बच जाती है। लेकिन उस दिन के बाद उस आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो जैंग को एक बात याद आ, एक दिन वो उसी आदमी से वसूली करने गया था तो उसने खुद को आग लगा ली थी और बाहर कूद गया था। हालांकि जैंग ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो बच नहीं पाया। उसी दौरान वो देखता है कि रोड पर एक कार की टक्कर हो गई है, और उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस कार में कौन बैठा, और बाद में जाकर वो लड़की उसकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी वजह से ही समारा की आँखें गई और उसके मॉम डैड की मौत हो गई। अब ये सच जानकर जैंग को बहुत ही गिल्टी फील होता है और यहाँ उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अगर वो उस दिन वसूली करने नहीं जाता तो शायद आज समारा की आँखें होती।
वो खुद को ही तकलीफ देना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो समारा की आंखों का ऑपरेशन करा के रहेगा, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उनकी आंखें तो वापस आ जाएंगी लेकिन इसमें $30,000 लगेंगे। तो जैंग उन्हें ऑपरेशन करने के लिए कह देता है, पर अब वो इतने पैसे लाएगा कहाँ से। तो वो उसी बॉक्सर के पास जाता है जिसने उसे चैलेंज दिया था। उसने अब वो अकेडमी छोड़ दी थी जिसके बाद उसके पास बहुत से पैसे आ गए थे। जैंग उसे पैसों के लिए हेल्प करने के लिए बोलता है, तो वो उसे एक आदमी के पास ले जाता है जो जैंग को $30,000 देता है और साथ में एक फ़ोन भी। लेकिन उसे एक फ़ाइट लड़नी होगी जो थाईलैंड में है, पर इसके आगे वो बताता है कि अगर तुम्हें वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि दोस्तों ये फाइट एक गैर कानूनी होती है और इसमें जैंग की जान भी जा सकती है। पर इस समय जैंग को बस पैसे चाहिए थे, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। अब जाने से पहले वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को जला देता है और अपने दोस्त को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये समारा को पैसे दे देना। इसके बाद वो उसे मिलने जाता और उसे समारा को नहीं बताया था कि वो कहीं जा रहा है। उसे कहती है कि जिस दिन मेरी आंखें वापस आएगी मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ और फिर हम उसी नदी किनारे जाएंगे, धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। पर समारा कहती है कि अगर तुम अगली हुए तो मैं क्या करूंगी, और ये सुनकर जैंग हंसने लगता है। इसके बाद वहाँ के डॉक्टर समारा को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और उसे अपने से दूर जाते हुए देखकर जैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी के थे क्योंकि अब वो देख सकेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम जैंग को एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ से वो थाईलैंड जाता है और यहाँ उसकी फाइट होती है। ये बहुत ही खतरनाक फाइट थी जिसमें जैंग को बहुत सी चोटें भी आती हैं लेकिन अंत में वो फाइट जीत जाता है। लेकिन इस बात से वहाँ बैठे एक आदमी उसी बॉक्सर पर बहुत ही गुस्सा होता है जो जैंग को यहाँ लेकर आया था। दरअसल उसने कहा था कि जैंग ये फाइट हार जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो आदमी उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे क्योंकि उसने जैंग के हार पर पैसे लगाए थे, और बोलता है कि अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जैंग हॉस्पिटल कॉल लगाता है। उसे पता चलता है कि समायरा की आंखें वापस आ चुकी है और इस बात से वो बहुत ही खुश होता है और फौरन उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है जिसके अंदर से दो लोग बाहर निकलते हैं। वो जैंग के सारे पैसे छीन लेते हैं और साथ में उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सामने से एक दूसरी कार आती है और उसे देखकर वो भाग जाते हैं। और इसी समय हम उसी कार में उसी बॉक्सर को देखते हैं जो जैंग को यहाँ लेकर आया था। ये सब उसी का करा कर आया था। वहीं कोरिया में समायरा की आंखें वापस आ गई थी, वो सब कुछ देखने लग गई थी, लेकिन जैंग का कुछ उसे आता पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। वो पुलिस के पास भी जाती है पर वो लोग उसकी कंप्लेन लिखने से मना कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी सारी डॉक्यूमेंट को जला दिए थे। और समायरा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर वो मानो कहीं गुमसा हो गया था। कुछ समय बाद समायरा शिफ्ट हो रही होती है कि तभी उसके पास जैंग के नाम का एक पार्सल आता है। वो उसे भेजने वाले के एड्रेस पर जाती है तो वो असल में एक हॉस्पिटल का था जहां हम एक जले हुए इंसान को देखते हैं, और ये वही इंसान था जिसकी वजह से समायरा का एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे एक एक करके सारी बातें बताता है कि कैसे इतने सालों तक जैंग ने मेरा खर्चा उठा रहा है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। वो उसे बता देता है कि उस रात जब बारिश हो रही थी तो तुमने एक आदमी को जलते हुए देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जैंग उस दिन मुझसे पैसे लेने वापस आया था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे जिसके बाद मैंने खुद को जला दिया ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े। अब ये सब सुनकर समारा मानो हिल से जाती है, पर उसने जैंग को माफ कर दिया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करती है। अब समय के बीतने के साथ साथ वो भी अपने कामों में बिजी हो जाती है, लेकिन किसी न किसी समय उसे जैंग की याद आती रहती है। उसने अब हॉस्पिटल में पेशेंट को मसाज देने की जॉब कर ली है, और ऐसे ही वो एक दिन जब मसाज दे रही होती है तो वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं। ये असल में कोई और नहीं बल्कि जैंग होता है जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। उसके चेहरे पे चोटों के निशान भी थे जिसकी वजह से समायरा उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जैंग आखिर उसे कैसे भूल सकता है जिसके साथ उसने हंसना बोलना सीखा था। वो उसे भी मसाज देने आती है पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जैंग है। जैंग रोता रहता है पर कुछ भी नहीं बोलता है। समारा को हल्का सा लगता है कि कहीं ये जैंग तो नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ पे लिखा हुआ उसका नाम देखती है तो वो कुछ और था क्योंकि उसने अपनी ओरिजिनल आईडी तो जला दी थी। अब धीरे धीरे जैंग अब ठीक होने लगा था, वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया था। अब एक दिन जब वो मार्केट में होता है तो न जाने कहीं से समारा का डॉग ईजी आ जाता है जो उसे पहचान लेता है कि यही जैंग है। वो उसे प्यार करने लगता है लेकिन जैंग नीचे गिर जाता है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। उसी दौरान वहाँ पर समायरा भी आ जाती है जो ईजी को वहाँ से हटाती है और जैंग से सॉरी कहती है। हालांकि वो उसे पहचान लेती है और कहती है कि आप तो वही है ना जो मुझे हॉस्पिटल में मिले थे, पर जैंग उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो समायरा समझ जाएगी कि वही जैंग है। इधर दोस्तों उसका डॉग ईजी बार बार उसे देख कर भौंक रहा था, लेकिन समायरा समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि वो जैंग को पहचान गया था। और जैंग भी बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद समारा अपने दोस्त की शॉप पर आकर उसे ये इंसिडेंट के बारे में बताती है कि ईजी ने ऐसा कभी नहीं किया था, पर आज पता नहीं इसे क्या हो गया था। तभी वो देखती है कि उसका टर्टल वहाँ से छोटा सा टर्टल गायब हो गया है, तो वो टर्टल को जैंग यहाँ से ले गया था। तभी दोस्तों उसका दोस्त बताता है कि एक आदमी यहाँ पर आया था, वो जैस्मिन प्लांट भी लेकर गया है। एक्चुअल में समारा को जैस्मिन प्लांट बहुत ही पसंद था। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो समझ जाती है कि वो जैंग ही था जिसे देखकर ईजी भौंक रहा था। अब ये जानकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ से उसके पैर रुकते ही नहीं थे। अब वो समझ जाती है कि वो आदमी जैंग ही था जिसे देखकर ईजी भौंक रहा था। अब यहाँ से उसके पैर रुकते ही नहीं थे, वो बस भागती रहती इधर से उधर कि कहीं वो उसे एक बार दिख जाए, लेकिन जैंग उसे कहीं नहीं दिखता और समारा वहीं रोड पर बैठकर रोने लगती है। आज उसने दोबारा उसे खो दिया था सिर्फ उसकी गलती की वजह से। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि वहीं नदी के किनारे वाली जगह पर जहां वो फौरन पहुंच जाती है और उसे दूर कहीं एक आदमी बैसाखी लेकर खड़ा हुआ मिलता है और पास जाकर वो एक धीमी सी आवाज़ में उसे पुकारती है जैंग। तो उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैंग नहीं चाहता था कि वो समारा पर बोझ बने और अब उसका चेहरा भी खराब हो चुका। वो हमेशा से पछतावा करता है कि उसकी वजह से समारा ने अपनी आंखें खो दी, अपने माँ बाप को खो दिया, इसलिए वो उसे मिलना नहीं चाहता था। लेकिन समारा कहती है कि तुम्हें पता है मैंने अपनी आंखें क्यों ठीक करवाई, ताकि हर सुबह हर शाम मैं बस तुम्हें देख सकूं, और आज तुम मुझसे ही दूर भाग रहे हो। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और गले लग जाते हैं। तो इस कहानी से एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है कि छोड़ने वाले बिना किसी वजह के भी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें आपका साथ चाहिए वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे भले ही आप अंधे हों, काले हों, गोरे हों या फिर अमीर हों या गरीब हों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस कहानी पे हम एम करते हैं 350 कमेंट का। वेल, मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।